बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डस्का के हवाले से बात करना चाहती हूँ, जहाँ जगह जगह गंदगी का ढेर है। सेवरेज सिस्टम का तो आप सबको पता है कितना ख़राब है, फिर इतना ज़्यादा ट्रैफिक का हजूम है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, नजायज़ लोगों की जानें जाती हैं। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या डस्का की आवाम, NA75 की आवाम का कीड़े मकोड़ों से भी कमतर है? क्या उनको कीड़े मकोड़ों से भी कमतर समझा जाता है, जो उनको बेसिक अवामी सहूलियात से भी महरूम रखा गया है? और कुछ अवाम को भी सोचना चाहिए, जो यहाँ के AC साहब हैं या जो भी यहाँ के पुराने सियासतदान हैं, जो कई सालों से यहाँ पर बराजमान है, हुक्मरानी कर रहे हैं, क्या वो यहाँ की अवाम को कीड़े मकोड़ों से भी कमतर समझते हैं? क्या वो ये समझते हैं कि ये इंसान भी कहलाने के हकदार नहीं है, जो उनको बेसिक सहूलियात से भी महरूम रखा जा रहा है? तो मेरा ये सवाल है कि यहाँ से गंदगी के ढेर, क्या यहाँ पे इंसानियत नहीं है? क्या ये लोग जिंदगी गुजारने नहीं आए? ये सिर्फ जानवरों से भी कमतर है, कीड़े मकोड़ों से भी कमतर है? कब इनको ये बेसिक सहूलियात मिलेगी, और कब आवाम की सोच भी बढ़ेगी और वो ऐसे नुमाइंदे चुनेगी जो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर सके? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।